मोबाइल चीनी है या साउथ कोरिया, तो इसको लेकर जो काफी अटकलें रही हैं स्टार्टिंग से। कहा जाता है कि पबजी मोबाइल जो है एक चीनी ऐप है, यानी चाइना की ऐप है। उसके साथ ही कई लोग मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि पबजी जो है एक साउथ कोरियन ऐप है, नहीं तो अभी तक ये बैन हो जाती। तो दोस्तों क्या है आखिर सच, तो उसी के बारे में जानेंगे आज वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में 59 चीनी ऐप्स को जो है बैन किया है। इसके बाद एक बार फिर से कुछ ऐप्स के क्लोन जो है प्ले स्टोर पर आने शुरू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर टिकटॉक लाइव। ऐसे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर 47 चीनी ऐप्स के क्लोन को बैन किया है इस बार। और इन ऐप्स में ज़्यादातर पुराने ऐप्स ही थे। सूत्रों के मुताबिक 250 से ज़्यादा दूसरे चीनी ऐप्स को लिस्ट तैयार की गई है। और खबरें की माने तो इसमें पबजी मोबाइल का नाम भी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पबजी इस बार शामिल है। क्या भारत में पबजी मोबाइल बैन हो सकता है? क्या ये ऐप भी चीनी ऐप्स की कैटेगरी में आता है? डेटा और प्राइवेसी के लेकर जो इसकी क्या प्राइवेसी है, यानी कि इसका डेटा कहाँ पर सेव होता है, तो ऐसे ही सवालों की आज हम बात करेंगे। पबजी मोबाइल को लेकर ये डिबेट काफी पहले से है कि चीनी ऐप है या साउथ कोरियन ऐप है। इसकी वजह है कि इस ऐप को बनाने वाली जो कंपनी ब्लू होल है वो चीन की नहीं बल्कि साउथ कोरिया की है। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी पबजी मल्टीप्लेयर गेमिंग जिसमें ब्लू होल ने बनाया है, ये इस कंपनी साउथ कोरियन ब्लू होल स्टूडियो की सब्सिडरी है। पबजी मोबाइल को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर 2018 में रिलीज किया गया था। पबजी वीडियो गेम लगातार पॉपुलर हुआ और इस वजह से चीन का सबसे बड़ा वीडियो गेम्स पब्लिशर टेंसेंट गेम ने साउथ कोरियन ब्लू होल से गेम को चीन में लॉन्च करने कंपनी में स्टॉक्स खरीदने की बात की। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट ध्यान देने वाली है, चीन की सबसे बड़ी वीडियो गेम कंपनी टेंसेंट, यहाँ दोस्तों वही टेंसेंट जब आप पबजी ओन करते हो तो आपको फ्रंट में सबसे पहले वही देखने को मिलता है, चीनी कंपनी के टेंसेंट की एंट्री। चीनी कंपनी टेंसेंट गेम ने ब्लू होल में स्टॉक खरीद लिया। इसके बाद पबजी को मोबाइल वर्जन टेंसेंट ने डेवलप किया। तो यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करने वाली है कि पबजी मोबाइल पीसी और पबजी मोबाइल जो है मोबाइल वर्जन दोनों ही अलग अलग है। उसके मोबाइल वर्जन को जो है टेंसेंट गेम यानी कि चीनी कंपनी ने रिलीज किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पॉइंट उठता है, तो इसे जो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये कंपनी तो ये गेम चीनी है या फिर साउथ कोरियन है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है क्योंकि इसकी मोबाइल वर्जन को जो है टेंसेंट गेम द्वारा रिलीज किया गया था। इसके बाद टेंसेंट पबजी मोबाइल की पब्लिशर बन गई। तब से अब तक पबजी मोबाइल ओपन करने पर टेंसेंट का लोगो भी जो आप देख सकते हो। शुरुआत में टेंसेंट में पबजी को चीन में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राइट खरीदा। इसके बाद गेम का मोबाइल वर्जन लाने के लिए ब्लू होल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किए इनकी टेंसेंट गेम ने। कुल मिलाकर पबजी मोबाइल यानी स्मार्टफोन टैबलेट में दोनों में खेले जाने वाला ये गेम टेंसेंट गेम ने तैयार किया है और इसे चीन में लॉन्च कर दिया था। तो इसकी प्राइवेसी को लेकर इसे आपको क्या कहना है, पबजी मोबाइल की प्राइवेसी पॉलिसी भी दूसरे ज़्यादातर ऐप की तरह ही है जो कई जरूरी और गैर जरूरी जानकारी यूजर से एक्सेस करता है। पबजी मोबाइल की प्राइवेसी पॉलिसी यह कहती है कि इस कंपनी के सर्वर जो है भारत में भी है, भारत में, और यहाँ के यूजर का डेटा यहीं पर जो है सेव होता है। हालांकि इसके सर्वर चीन में भी हैं और जो है अमेरिका में भी है, सिंगापुर में भी है, जहाँ पर ये अपने डेटा को जो है सेव रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा सकता है आपका डेटा। यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का जहाँ तक सवाल है, पबजी मोबाइल के भारतीय यूजर का डेटा कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकती है। यहाँ लिखा है, हम किसी भी थर्ड पार्टी को आपका डेटा ट्रैक और यूज करने की इजाज़त देते हैं। हम ये इंश्योर करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी यूजर की पर्सनल जानकारी किसी के लिए के साथ डिस्क्लोज ना करे। सुरक्षा की गारंटी नहीं, कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक पब्लिक यूजर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए प्रतिबंध है, लेकिन कंपनी ने यह भी कह चुकी है जानकारियों का आदान प्रदान इंटरनेट के जरिए होता है, इसलिए ये पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों मैं आई थिंक अब आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, या फिर आप खुद ही जो है गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि अब ये चीनी ऐप है या फिर साउथ कोरियन ऐप है। तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट क्लियर होता है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।